नमस्कार बच्चों, अपना जो दूसरा लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें अपने एक तो टॉपिक कर लिया न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना। अब इसका जो आगे का टॉपिक है वो है ख्याति या गुडविल या ख्याति की गणना। जब नया पार्टनर साझेदारी में प्रवेश करता है तो उस समय उससे दो प्रकार की राशियाँ दी जाती है। एक तो संपत्ति और दायित्व में हिस्से के बदले में पूंजी ली जाती है और लाभों के हिस्से के बदले में ख्याति की राशि ली जाती है। अब पहले है कि ख्याति होती क्या है, गुडविल क्या चीज़ है। ख्याति एक आदर्श संपत्ति होती है, यानी वो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे छू भी नहीं सकते, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है भी इस फर्म की ख्याति है वो कितनी बढ़िया है। यानी ख्याति एक आदर्श संपत्ति है जिसे आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो कि किस फर्म की गुडविल है वो कितनी है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है उस समय तक जो पुराने साझेदार होते हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, काम करके इतने सालों में वो ख्याति कमाते हैं वहाँ पे, तो इस ख्याति के बदले में वो नए पार्टनर से राशि वसूल करना चाहते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि नए साझेदार से वो कितनी ख्याति की राशि वसूल करे, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, ख्याति की गणना करनी पड़ती है कि उस फर्म की ख्याति है वो कितनी है। अब किसी भी फर्म की जो ख्याति होती है वो मेन तीन प्रकार की होती है। एक होती है देखो नंबर एक व्यक्तिगत ख्याति, नंबर दो पे होती है संस्थागत ख्याति, और नंबर तीन पे है आकस्मिक ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति, संस्थागत ख्याति और आकस्मिक ख्याति, ये तीन प्रकार की ख्याति होती है। व्यक्तिगत ख्याति फर्म की वह ख्याति होती है जो उस व्यक्ति विशेष के कारण यानी कि वहाँ के ओनर के कारण होती है, वहाँ के स्वामी के कारण होती है वह ख्याति, जो व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है। व्यक्तिगत ख्याति है वो कुत्ते के स्वभाव की होती है। अब कुत्ते का क्या स्वभाव होता है, कुत्ता है वो स्वामी भक्त होता है। इसी तरह व्यक्तिगत ख्याति में भी जो ग्राहक होते हैं वो उस दुकान का जो मालिक है उसके प्रति भक्त होते हैं, जो वह मालिक के कारण ही दुकान में आते हैं, तो वो व्यक्तिगत ख्याति कहलाती है। मान लो कोई दुकान है जिसमें रामनिवास नाम का वहाँ का मालिक है, अब ग्राहक आते हैं वहाँ पर, बहुत ग्राहक आते हैं, अब बहुत ग्राहक आ रहे हैं, उस रामनिवास ने क्या कर दिया, अपनी दुकान किसी और को बेच दी, और ऐसा करने से वहाँ से ग्राहक टूटने लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ख्याति थी वो उस व्यक्ति विशेष के कारण थी, रामनिवास के कारण। जैसे ही रामनिवास वहाँ से गया तो वहाँ से क्या ग्राहक भी कम हो गए, तो ये क्या है, व्यक्तिगत ख्याति है। तो आपसे पूछे व्यक्तिगत ख्याति किसे कहते हैं, तो व्यक्तिगत ख्याति वह ख्याति होती है जो व्यक्ति विशेष के कारण होती है, और किस स्वभाव की होती है, कुत्ते के स्वभाव की होती है, क्योंकि कुत्ता सदैव क्या होता है, स्वामी भक्त होता है। और इसमें क्या है, व्यक्तिगत ख्याति में जो ग्राहक है वो स्वामी भक्त है, इसलिए इस ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। फिर है संस्थागत ख्याति। अब संस्थागत ख्याति कुत्ते के स्वभाव की होती है, बिल्ली के स्वभाव की। अब बिल्ली का क्या स्वभाव होता है कि बिल्ली को एक पर्सनल व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, उसे जो प्रेम होता है वो घर से प्रेम होता है जहाँ पर वो रहती है। इसी तरह संस्थागत ख्याति वह ख्याति होती है जो उस व्यक्ति विशेष के कारण न होकर उस संस्था के नाम के कारण होती है। जैसे वही मान लो रामनिवास उस दुकान को छोड़ के चला गया, रामनिवास उस दुकान को छोड़ के चला गया लेकिन उसकी जगह कोई और व्यक्ति आ गया, लेकिन और व्यक्ति आने पर भी ग्राहकों पर क्या है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
और व्यक्ति आने पर ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसी जो ख्याति होगी वो क्या होगी? संस्थागत ख्याति होगी, जो किस स्वभाव की है? बिल्ली के स्वभाव की है। नंबर तीन है आक्ष्मिक ख्याति। अब आक्ष्मिक ख्याति कौन सी होती है? आक्ष्मिक ख्याति है वो चूहे के स्वभाव की होती है। आक्ष्मिक ख्याति की स्वभाव की है, आक्ष्मिक ख्याति है वो चूहे के स्वभाव की है। और चूहे का क्या स्वभाव होता है? चूहे का स्वभाव होता है कि न तो उसे किसी व्यक्ति से मतलब होता है, न ही संस्था से मतलब होता है। जिसकी ख्याति बढ़ जाती है, कहने का मतलब वो क्या है कि अचानक किसी घटना पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कोई स्कूल है, उसमें अचानक बच्चे क्या है मेरिट में आ गए, तो वहाँ पर बहुत से बच्चे अगले साल वहाँ पर एडमिशन ले लिया। अगले साल क्या होगा कि इसका रिजल्ट खराब रह गया तो बच्चे छोड़ के जाने लग गए। तो इसका मतलब वो ख्याति न तो व्यक्ति के कारण हुई और न उस संस्था के कारण हुई, वो आकस्मिक हो गई, अचानक आई अचानक चली भी गई। तो ये जो ख्याति है वो कौन से स्वभाव की है? चूहे के स्वभाव की है। और चूहे का क्या स्वभाव होता है? चूहा आज किसी के घर तो कल किसी के घर हो सकता है, इसलिए इसे आकस्मिक ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। तो व्यक्तिगत ख्याति जो व्यक्ति विशेष के कारण होती है, संस्थागत ख्याति जो संस्था के कारण होती है, आकस्मिक ख्याति जो किसी घटना पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत ख्याति का स्वभाव होता है कुत्ते का स्वभाव, संस्थागत ख्याति का जो स्वभाव होता है वो बिल्ली का स्वभाव, और आकस्मिक ख्याति का जो स्वभाव होता है वो चूहे का स्वभाव। ये तीन प्रकार की ख्याति होती हैं। अब हमें ये तो हो गए ख्याति के प्रकार। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा, तो नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करेगा तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय हमें ये देखना है कि नए साझेदार से हम ख्याति की कितनी राशि लें। अब कोई ये कहे ख्याति की राशि क्या होती है, तो आप कहोगे कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदारों को अपने लाभों का त्याग करना पड़ता है, और उस त्याग के बदले में नए साझेदार से जो राशि वसूल की जाती है वो ख्याति की राशि है। जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदारों को क्या करना पड़ता है? अपने लाभों का त्याग करना पड़ता है, और उस त्याग के बदले में पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार से जो राशि वसूल की जाती है वो ख्याति की राशि कहलाती है। अब देखो दो तरह का क्वेश्चन बनता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि नए साझेदार से पूंजी की राशि क्यों ली जाती है, तो वो तो आप कहोगे संपत्तियों में हिस्सा देने के लिए, और ख्याति की राशि क्यों ली जाती है? लाभों में हिस्सा देने के लिए। अब दिक्कत ये आती है कि नए साझेदार से हम कितनी ख्याति की राशि वसूल करें, क्योंकि ख्याति वो एक आदर्श संपत्ति है, हम उसकी वैल्यूएशन नहीं लगा सकते, उसका मूल्य पता नहीं होता हमें कि उसका मूल्य वो कितना है। तो उसका मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुछ एक विधियाँ होती है, उन विधियों के द्वारा हम ख्याति की राशि निकालते हैं जो साझेदारी अधिनियम में दी हुई है, और उसके आधार पर ख्याति की राशि निकाल के और फिर वो राशि नए साझेदार से वसूल कर ली जाती है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहले ख्याति की गणना की विधियाँ। मेन दो विधियां होती है, देखो एक तो अपनी औसत लाभों के आधार पर औसत लाभों के आधार पर इसमें देखो नंबर एक है अपनी औसत लाभों के आधार पर, इसी के अंदर है ये औसत लाभों की क्रय विधि। औसत लाभों की क्रय विधि। अब औसत लाभों की क्रय विधि में ख्याति का सूत्र क्या होता है? इसमें हमें ख्याति निकालनी है। मान लो ख्याति बराबर औसत लाभ इनटू क्रय के वर्ष।
औसत लाभ इंटू करे के वर्ष। अब औसत लाभ इंटू करे के वर्ष क्या है, ख्याति निकालेंगे हम। औसत लाभ को क्या करेंगे, करे के वर्षों से गुणा कर देंगे। औसत लाभों को जब आप करे के वर्षों से गुणा कर दो तो आपका ख्याति का मूल्य आ जाएगा। अब बात रहती है कि औसत लाभ कहाँ से लाएं और करे के वर्ष कहाँ से लाएं। तो इसमें आपको करे के वर्ष दिए होंगे, जैसे ऐसे दे सकते हैं कि औसत लाभों के 3 वर्ष के करे के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। औसत लाभों के 3 वर्ष के करे के आधार पे, तो पहले औसत लाभ आएंगे उसे 3 से गुणा कर देना तो आपका ख्याति का मूल्य आ जाएगा। या फिर कई बार ऐसे कहते हैं कि औसत लाभों के 3 गुणे के आधार पे, तो भी बात एक ही है, 3 से क्या करना है, हमें वहाँ पे गुणा ही करना है। तो औसत लाभों की क्रय विधि में जब ख्याति निकालते हैं तो ख्याति बराबर सूत्र क्या है, औसत लाभ इंटू करे के वर्ष। औसत लाभों को करे के वर्षों से जब गुणा कर देते हैं तो हमारे ख्याति का मूल्य आ जाता है। अब बात आती है औसत लाभ कैसे निकाला जाता है। तो औसत लाभ बराबर, जैसे मैन औसत का सूत्र होता है वही मान लो। औसत का सूत्र क्या होता है, किसी का अपने औसत निकालते हैं, जो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे देते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है, अपना औसत आ जाता है। इसी तरह हमें औसत लाभ निकालने हैं, तो इसमें क्या गया, दिए गए वर्षों के कुल लाभ बटे में दिए गए वर्षों की संख्या दिए गए वर्षों का कुल लाभ बटे में दिए गए वर्षों की संख्या। अब दिए गए वर्षों के कुल लाभ मान लेते हैं, हमें 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं, 2001, 2002, 2003, 2004। अब इसके हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं। अब इसका प्रॉफिट पहले साल मान लो 40,000, दूसरे साल 35,000, फिर 45,000 और फिर 30,000। इस तरह आपको 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। अब आपको ये कहे कि 4 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 वर्षों के औसत लाभों के और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर क्या ज्ञात करना, आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले क्या करना, आपको 4 वर्षों का औसत लाभ निकालना है। तो दिए गए वर्षों का कुल लाभ जोड़ लो पहले, 40, 120, 150 हो गया 150,000। तो दिए गए वर्षों के कुल लाभ कितने आ गए, 150,000, और बटे में दिए गए वर्षों की संख्या कितनी होगी, 4। तो 150,000 में 4 से भाग कर दो, कितना आ गया अपना, 37,500। कितना आ गया, 37,500। ये तो सिर्फ औसत लाभ आया है। अब आपको ये कहे कि 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पे ख्याति का मूल्य निकाल दिए, तो क्या करेंगे, 37,500 तो अपना औसत लाभ आ गया, उसको 3 बार, तो यहाँ पे ख्याति औसत लाभ कितना है, 37,500 गुणा में 3 वर्ष के करे के आधार पे निकालना है। तो 3 से क्या करोगे, इसे गुणा कर दोगे, 3 से क्या करोगे, गुणा कर दोगे तो अपना ख्याति का मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ख्याति का मूल्य आ जाएगा। कितना आ गया, 112,500। तो ख्याति का मूल्य हो गया अपना 112,500 आ गया। तो औसत लाभ विधि में दिए गए वर्षों के कुल लाभ में दिए गए वर्षों की संख्या का भाग दे देते हैं तो अपना क्या आ जाता है, औसत लाभ आ जाता है। फिर हमें क्या करना है, ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो औसत लाभ को कितने से गुणा करना है, जितने दिए गए वर्ष है, जैसे 3 साल 4 साल, तो दिए गए वर्षों की संख्या से क्या करोगे, गुणा करोगे। तो औसत लाभ आ गया 37,500, दिए गए वर्ष कितने अपने,
कितने वर्षों के आधार पे? 3 वर्षों के आधार पे। ये तो 4 वर्ष है, वो तो औसत लाभ के लिए है, ये ख्याति के लिए है। तो क्या करोगे अपने 37,500 × 3, तो उस फर्म की ख्याति 1,12,500 आ जाएगी। उस फर्म की कुल ख्याति आएगी, ये नए साझेदार से ली जाने वाली ख्याति नहीं है, वो तो हिस्से के आधार पे लेंगे। ये फर्म की कुल ख्याति आएगी 1,12,500, ठीक है। इस लाभ का मतलब सिर्फ ये क्या हो गया, एक सामान्य लाभ हो गया। कई बार ये होता है कि इन लाभों के अंदर आपको कुछ असामान्य प्रकृति के यानी असाधारण प्रकृति के लाभ दिए होते हैं जो उस बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, अन्य कहीं से हमने कमाए हों, तो वो उस प्रॉफिट इसमें जुड़े होते हैं। तो वो प्रॉफिट यदि इसमें जुड़े हैं तो उन्हें क्या करना, आपको वापस लेस करना पड़ेगा। अगर लॉस इसमें से घटे हुए हैं तो वापस क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें वो ऐड करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्वेश्चन को ऐसे देते हैं, मान लो कोई सवाल दे रखा है आपको, 4 सालों के लाभ दे रखे हैं, वही चार सालों के लाभ दे दिया, जिसमें पहले साल का लाभ है 50,000, दूसरे साल का लाभ है 40,000, तीसरे साल का लाभ है 35,000 और फिर है 75,000, ऐसे दे दिया। अब आपको कह दिया प्रॉफिट इतना दे रखा है, इसके आगे लिख दिया जिसमें ₹10,000 सट्टे का लाभ शामिल है, जिसमें ₹10,000 सट्टे का लाभ शामिल है, इसमें मान लो कुछ भी नहीं है दे रखा समायोजन, इसमें दे रखा है जिसमें 5,000 असामान्य हानि घटाई हुई है, जिसमें ₹5,000 असामान्य हानि घटाई हुई है, ये दे रखा है जिसमें 15,000 विनियोगों का लाभ शामिल है, मान लो ये सवाल दिया हुआ है। अब आपको देखो सही प्रॉफिट निकालना है, तो वापस ईयर और प्रॉफिट, अब ईयर प्रॉफिट है, अब ईयर वही 2001, प्रॉफिट कितना दे रखा है 50,000। अब ये कहते हैं जिसमें 10,000 सट्टे का लाभ शामिल है, सट्टा व्यापार की एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आपको क्या करना, इस 50,000 में से पहले वो ₹10,000 लेस करने हैं। तो 50,000 माइनस में 10,000, 50,000 में 10,000 घटा दिया, कितना आ गया 40,000। तो पहले साल का प्रॉफिट है वो 50,000 नहीं माना जाएगा, 40,000 माना जाएगा। फिर आ गया 2002, 2002 में कितना प्रॉफिट है 40,000, इसमें कोई समायोजन नहीं, तो ये 40,000 पूरा हो गया। 2003 में 35,000 का प्रॉफिट है, जिसमें असामान्य हानि घटाई हुई है, अब असामान्य हानि घटाई हुई है तो वापस ऐड करनी है, तो 35,000 प्लस में 5,000, 35,000 प्लस में 5,000, ये भी कितना प्रॉफिट हो गया अपना 40,000 हो गया। 2004 में कितना प्रॉफिट दे रखा है 75,000 का, 15,000 का विनियोगों का लाभ शामिल है, वो 15,000 क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे। तो
तो 75 में से 15 आ गए, कितने बच गए? 60,000। टोटल आ गया अपना 1,80,000। कितना आ गया? 81। पहले साल का प्रॉफिट हो गया 40,000, दूसरे का 40, तीसरे का 40 और चौथे का 60,000। अब क्या करना आपको, पहले इसका औसत लाभ निकालना है। तो औसत लाभ का क्या सूत्र था? औसत लाभ बराबर दिए गए वर्षों का लाभ, पहले 40,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 और प्लस 60,000। 40 और 60 दिए गए वर्षों की संख्या, कितने साल हो गए? 4। कितने साल हो गए? 4। तो टोटल हो गया अपना 81। 1,80,000 आ गया, और बटे में कितना आ गया? 4। तो कितना आ गया? 81 में 4 का भाग दिया, 45,000 आपका औसत लाभ आ गया। यानी औसत लाभ है वो कितना है? 45,000। अब आपको क्या करना है? ख्याति की गणना करनी। तो ख्याति की गणना करोगे तो ख्याति बराबर औसत लाभ जो कितना दे रखा है, 45,000 इंटू क्रय के वर्ष। आपको ये कहे 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पे ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको 45,000 को 3 से और मल्टीप्लाई करना है। तो 45,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1,35,000, तो ख्याति का मूल्य 1,35 आ जाएगा। कहने का मीन ये हुआ कि अगर प्रॉफिट में कोई असामान्य प्रकृति का लाभ है उसे वापस लेस करना है, असामान्य प्रकृति की हानि घटाई हो इसे वापस ऐड करना है। ईयर जैसे इसमें दे रखे हैं आपको 4 साल, पहले साल में 10,000 के असामान्य प्रकृति का प्रॉफिट था वो घटा दिया, दूसरे साल में कोई समायोजन नहीं तो वो पूरा का पूरा लिख दिया, तीसरे साल में 35,000 में 5,000 के असामान्य प्रकृति की हानि घटाई हुई है उसे क्या कर दिया, वापस ऐड कर दिया, चौथे साल में 15,000 पे विनियोगों का लाभ शामिल है। तो विनियोग व्यापारी व्यापार के नहीं है, हमने कई राशि इन्वेस्ट कर रखी है वहाँ से अलग से कमाए हैं तो वो भी असामान्य प्रकृति का माना जाएगा, उसे भी वापस क्या करना पड़ेगा आपको, लेस करना पड़ेगा। तो ऐसा करके पहले साल 40,000, फिर 40, फिर 40 और फिर 60, टोटल कितना हो गया? 81। अब 81 में साल टोटल कितने दिए गए वर्ष? 4 का भाग दे दो, तो 81 में 4 का भाग दिया तो कितना आ गया? 45,000। कितना आ गया? 45,000। तो 45,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो 45,000 इंटू में 3, 1,35,000 आ गया। कितना आ गया? 1,35,000। ठीक है। अब इसी विधि में कई बार ऐसे हो जाता है, आपको ऐसे दे देते हैं कि साझेदारों का पारिश्रमिक बाकी पड़ा है, जैसे आपको ये कहते हैं कि किसी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभों को 3-2 में बांटते हैं, जिनके पिछले 4 वर्षों के लाभ 2001 प्रॉफिट, पहले साल में 40,000, 2002 50,000, 2003 में फिर 40,000 और 2004 में 60,000। अब ये करना है आपके औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पे ख्याति का मूल्य निकालना है। औसत लाभों के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर यदि प्रत्येक साझेदार का 1,000 रुपये मासिक
वेतन बकाया है। चार वर्षों के क्रयकेदार पे खाते का मूल्य ज्ञात करना है। यदि प्रत्येक साझेदार का क्या है 1000 रुपये मासिक वेतन बकाया है। अब आपको करना क्या है, देखो पहले तो आपको औसत निकालना है। सबसे पहले काम आपका क्या होगा, ऐसे सवाल आ जाएंगे, औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ वही पहले 40,000 प्लस में 50,000 प्लस में 40,000 और प्लस में 60,000 बटे में 4। पहले तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट 40, 50, 90 190,000 हो गया बटे में 4 कितना हो गया 190,000 बटे में 4 हो गया। अब 190 बटे में 4 तो ये आ गया अपना 47,500। ये क्या गया अपना औसत लाभ आ गया 47,500। लेकिन जब पार्टनर का रेमुनरेशन बाकी रह गया ना, तो इसको आप वास्तविक औसत लाभ नहीं मानोगे। पहले आपको क्या करना है, वास्तविक औसत लाभ निकालना है। वास्तविक औसत लाभ अपना कितना हो गया 47,500 में से जो ये बाकी रह गया साझेदारों का पारिश्रमिक वो घटा दो। ये कहते प्रत्येक साझेदार 1000 रुपये मासिक, तो एक साझेदार का 12,000 हो गया पूरे साल का। और साझेदार टोटली कितने हैं 2, तो 2 साझेदारों का 24,000 रुपये रेमुनरेशन यानी पारिश्रमिक बाकी रह गया। तो आपको क्या करना है, 47,500 में से 24,000 घटा देने हैं। 47,500 में से क्या करना है, 24,000 घटा देने हैं। तो 47,500 माइनस में 24,000 कितना बच गया 23,500। 23,500 आपका वास्तविक औसत लाभ आ गया और उसे ही आपको क्या है औसत लाभ मानना पड़ेगा। अब आपको ख्याति का मूल्य कैसे निकालना है, चार वर्षों के क्रय के आधार पे। तो ख्याति बराबर यही ख्याति औसत लाभ, औसत लाभ कितना लेना है 23,500 इंटू में 4 वर्षों के क्रय के आधार पे, तो 4 से गुणा कर दो तो कितना आ गया, ये आपका आ गया 94,000। ये आ गया अपना 94,000 ख्याति का मूल्य आ गया। ठीक है, तो जब किसी पार्टनर का कोई रेमुनरेशन बाकी हो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया जो अपना आ गया 40 प्लस में 50 प्लस 40 प्लस 60 और 4 सालों का 4 से भाग दे दिया तो एवरेज प्रॉफिट अपना 47,500 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अपने वास्तविक औसत लाभ निकालेंगे। तो वास्तविक औसत लाभ हो गया 47,500 में से क्या करोगे आप 24,000 घटा दो। तो 47,500 में से जब 24,000 घटा दिया तो कितना है अपना 23,500। ये क्या आया अपना 23,500, ये वास्तविक औसत लाभ आया। और ये 24 क्यों घटाया, क्योंकि पार्टनर का रेमुनरेशन था तो रेमुनरेशन को क्या करना पड़ता है, आपको घटाना पड़ता है। तो कितना बच गया अपना 23,500। अब आपको ख्याति का मूल्य कैसे निकालना है, औसत लाभ के क्रय के आधार पे। औसत लाभ के क्रय के आधार पे जब ख्याति का मूल्य निकालेंगे तो औसत लाभों को क्या करना है, क्रय के वर्षों से गुणा करना है। अब औसत लाभ कितने हैं 23,500 और उसे कितने से गुणा करना है 4 से, तो 23,500 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 94,000 आ जाएगा। तो ख्याति का मूल्य कितना आ गया आपका 94,000 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया अपनी एक विधि ख्याति की गणना औसत लाभों के क्रय के आधार पे। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने। धन्यवाद।